जी चलो लेट्स स्टार्ट इसको यहाँ से देखते हैं फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कल हम देख रहे थे करेक्टिव मेजर्स टू करंट अकाउंट डेफिसिट, और उसके अंदर हम नॉन मॉनिटरी मेजर्स और मॉनिटरी मेजर्स दो डिफरेंट मेजर्स थे हमारे पास। जी आवाज़ आ रही है ना? चल ग्रेट। अच्छा करंट अकाउंट डेफिसिट हमने देख लिया था, इश्यू क्या था करंट अकाउंट का कि अच्छा हम देख रहे थे करंट अकाउंट में डेफिसिट, जरा इशू क्या था। हमने देखा था एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब हम करते थे तो इसमें वी वर हैविंग प्रॉब्लम कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में। उसको दुरुस्त करने का एक तरीका तो हमने पहले देखा था कि आप मॉनिटरी मेजर्स के अंदर एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर लें, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर लें। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएशन से हमें क्या होता था कि आवर एक्सपोर्ट्स गेट चीपर इन फॉरेन मार्केट एंड आवर इंपोर्ट्स गेट प्राइसियर इन लोकल डोमेस्टिक मार्केट। क्लियर है? उसके अंदर हमने डिस्कशन भी की थी। हमने फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देखी थी कि जनाब एक्सपोर्ट के सिलसिले में पाकिस्तान में एक साहब हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल ₹100,000 की कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और वो प्रोडक्ट बना के बेचते हैं। अब वो यूएसए वाले साहब जो हैं ये खरीदना चाहते हैं, जो यूएसए में साहब हैं ये बायर हैं, ये बाय कर रहे हैं और ये पाकिस्तान वाले साहब सेल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट यही है, हम चीज बनाते हैं बाहर बेचते हैं और बाहर वाला खरीदता है। तो एक्सचेंज रेट को अगर हम एक्सचेंज रेट समझें कि ₹1 पर रुपी इज 100, तो क्या होगा? यूएसए वाले भाई कह रहे होंगे कि ये मशीन आई विल हैव टू पे अराउंड $1,000 फॉर दिस मशीन, फॉर दिस एक्टिविटी, फॉर दिस परचेज, इस परचेज के लिए जो ₹1,00,000 की है पाकिस्तान की डोमेस्टिक मार्केट में, उनको $10,000 पे करने पड़ रहे हैं। और अगर हम एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट कर दें ₹1 पर रुपी दैट इज फॉर एग्जाम्पल 200, तो क्या हो जाएगा? हमने अच्छी खासी डेप्रिसिएशन कर दी। अब वो यूएसए वाले भाई को सिर्फ $500 पे करने पड़ेंगे ये मशीन या ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए। डोमेस्टिक जो भाई हैं जो बेच रहे हैं उनको दोनों सूरतों में ₹1,00,000 ही मिलेगा, चाहे वो $1,000 दें, 100 से मल्टीप्लाई होके ₹1,00,000 मिल जाएगा, चाहे वो ₹500 दें, 200 से मल्टीप्लाई होके ₹1,00,000 मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के जो भाई हैं इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रुपीस के अंदर है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे हैं, इसलिए इनको ₹1,00,000 से गर्ज है कि मुझे ₹1,00,000 मिल जाए। एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से इंटरनेशनली क्या होगा, जो बायर है वो देखेगा कि यार $1,000 की जगह मुझे सिर्फ $500 देने पड़ रहे हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट
चीप हो जाती है इन द आईज ऑफ द बायर और एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन से, और इसी तरह से एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन से क्या होगा कि अगर पहले 200 था और अब 100 हो गया तो आपकी एक्सपोर्ट्स विल गेट एक्सपेंसिव इन द लाइट इन द आईज ऑफ द बायर। अगर आपका एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है, आपका डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होता है, तो क्या होता है आपका जो फॉरेन बायर है उसको ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। इसी तरह से इंपोर्ट के सिलसिले में भी हमने देखा था, क्योंकि टॉपिक अभी का है तो हम रिवाइज इसके साथ ही कर रहे हैं। इंपोर्ट में क्या होता है, बेचने वाला कौन है, यूएसए वाले भाई, उनसे कोई हमने मशीन लेनी है फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा जी कि मैं $1,000 में बेचूंगा, ये मशीन $1,000 में बेचूंगा, ये कांस्टेंट है, दिस प्राइस इज कांस्टेंट। और पाकिस्तान वाले भाई जो के खरीदना चाहते हैं वो देखेंगे पाकिस्तान में जो के बायर कर रहे हैं, इंपोर्ट है पाकिस्तान में खरीदा जा रहा है। अब एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल एक्सचेंज रेट, वी हैव एन एक्सचेंज रेट $1 पर रूपी वाज 100, तो एक्सचेंज रेट वाज 100, सो हाउ मच रुपीज दैट वी हैव टू पे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज रुपीज 100,000, इतने रुपए देने पड़ेंगे खरीदने वाले को। वो कहेगा जी कि क्योंकि वो यूएसए की मार्केट के अंदर $1,000 की है और उसने अपनी इकोनॉमी के हिसाब से अपनी प्राइस फिक्स की हुई है $1,000, मैं 1,00,000 रुपया इस वक्त मेरे पास हो तो मैं ये प्रोडक्ट परचेज कर सकता हूं, क्योंकि इस वक्त एक्सचेंज रेट $1 के अगेंस्ट रुपी 100 है। और अगर इसी को मैं एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर दूं, $1 पर रूपी मैं कह दूं जी कि 200 है, तो क्या होगा, नाउ आवर प्राइस द रूपी फंड दैट वी विल नीड फॉर दिस इन रूपीज टर्म दैट विल इंक्रीज टू 200। क्लियर है जी। This is where the rate of exchange of say rupee of dollar increases. The concept of exchange rate as explained in the greater detail in the following section. ये वही इसी तरह की एग्जाम्पल जो हमने अभी देखी है, उसी तरह की एग्जाम्पल दिखाई हुई है। फिर डिफ्लेशन, वो कहते हैं मॉनिटरी मेजर के अंदर आप एक काम कीजिए, डिफ्लेशन को ऐसी पॉलिसी लेकर आए जो डिफ्लेशन को इम्पैक्ट करें। डिफ्लेशन क्या है, कौन सी पॉलिसी हम डोमेस्टिकली, कहते हैं डोमेस्टिकली आप इस तरह की पॉलिसी अपनाएं जो कि डिफ्लेशन का बायस बने। डिफ्लेशनरी पॉलिसीज कौन सी होती थी हमने देखा था, दिस आर शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, दिस वाज लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, और हम ये चाहते हैं कि डिफ्लेशन वाली पॉलिसी हो, एग्रीगेट डिमांड, हम एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करना चाह रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड 1 के ऊपर लेकर आना चाह रहे हैं, डिफ्लेशन प्राइसेस को जो हमारी प्रिवेलिंग प्राइसेस प्राइस लेवल है उस प्राइस लेवल को हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, ये डिफ्लेशनरी मेजर को लेना चाह रहे हैं। अब उस डिफ्लेशनरी मेजर से होगा क्या, what will happen, that deflationary measure will bring down the prices deflationary price level domestically, jab aapki domestic price level giregi to kya hoga, imports ke mukable mein aapko local jo log hain local jo products hain wo sasti ho jayengi,
प्राइस लेवल गिरेगा क्या होगा, दो काम होंगे, वन इंपोर्ट्स का मुकाबला कर सकेंगे, इंपोर्टेड प्रोडक्ट ज्यादा महंगी लगना शुरू हो जाएगी। पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइस लोकल प्राइस, वो कहते हैं आप रुपीस टर्म्स के अंदर जो प्राइस है उनको आप रिड्यूस करें, एक लाख रुपए की थी आप एक लाख की जगह 50,000 रुपए की कर दें। अब 50,000 रुपए की करने से क्या होगा, दो काम होंगे, एक तो ये जब आप एक्सचेंज रेट जो भी था फॉर एग्जांपल 100 था, रुपीस 100 पर डॉलर ये जब था तो बाहर वाले को क्या पड़ रहा था 100 × 100,000 वन मिलियन की ये मशीन पड़ी थी, ये प्रोडक्ट पड़ी थी। अब जब आपने प्राइस ही रिड्यूस कर दी है, एक्सचेंज रेट सेम रहा है, ये सेकंड मॉनिटरी मेजर की बात कर रहे हैं, प्राइस ही रिड्यूस कर दी है 50,000 पे आ गए तो 5,500,000 के ऊपर वो चला जाएगा, ऐसा ही है ना। टेन मिलियन और फाइव मिलियन, वो 5 मिलियन प्राइस आपकी, क्योंकि प्राइस कम हुई है आपकी लोकल मार्केट के अंदर। इसको आपने कैसे अचीव किया, डिफ्लेशन के जरिए से आपने इसको अचीव किया, आपने ऐसी पॉलिसी अपनाई जिससे कि आपकी लोकल मार्केट की प्राइसेस रिड्यूस हुई है। और लोकल मार्केट की प्राइसेस की रिडक्शन से क्या हुआ, आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस भी तो उसी तरह से रिड्यूस होंगी, एक्सपोर्ट प्राइसेस वो भी आपकी रिड्यूस हो गई है, तो आपको कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलेगा इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करने के लिए बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, बाकी कंट्रीज के साथ। वन थिंग एंड ऑन योर इम्पोर्ट साइड, जब आप लोकल मार्केट की प्राइसेस रिड्यूस कर रहे होंगे तो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स इसके मुकाबले में महंगी लगनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा ही है ना। इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स की प्राइस जो कि डॉलर टर्म्स के अंदर होती है और उसको हम एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो सेम रहेगा दोनों सूरतों में, लेकिन आपको लोकल प्रोडक्ट, आपने अपनी डिफ्लेशन की पॉलिसी की मदद से लोकल प्रोडक्ट की प्राइस कम कर लिया, अब लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदने की बजाय लोकल प्रोडक्ट खरीदने के ऊपर ज्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि वो रिलेटिवली चीपर लगेगा, रिलेटिवली सस्ता लगेगा इन कंपैरिजन टू द इंपोर्टेड प्रोडक्ट। तो वो कहते हैं एक अनदर इन्फ्लेशन जो आपका मॉनिटरी मेजर है, दैट इज द चेंज ऑफ डिफ्लेशनरी पॉलिसी। देन वी हैव अनदर मॉनिटरी मेजर दैट इज एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल क्या है, जैसा हम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी, कि एक्सपोर्टर से कहते हैं भाई एक्सपोर्ट कीजिएगा पर पैसे स्टेट बैंक को दीजिएगा, इंपोर्ट आपने इंपोर्ट करनी है आपको इजाजत लेनी पड़ेगी स्टेट बैंक से, कोई ऐसी प्रोडक्ट हम इंपोर्ट नहीं करने देंगे जिसको जो कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी ना हो। तो आप ये एक्सट्रीम काइंड ऑफ मेजर है कि अपनी इकोनॉमी के अंदर आप एक फिल्टर लगाएं एक्सचेंज रेट एक्सचेंज में, कि जो डॉलर आपकी इकोनॉमी के अंदर आ रहे हैं वो जा रहे हैं, उनका एक राउट बने, एक रूट बने जिसके जरिए से जा रहे हैं। दिस हैज द इफेक्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्ट दैट आर पॉसिबल, तो वो रोकने का बायस बन जाएंगे। क्लियर है, तो मुश्किल तो नहीं है एक्सचेंज कंट्रोल के अंदर। अच्छा, देन वी हैव नॉन मॉनिटरी मेजर्स। कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो कि नॉन मॉनिटरी मेजर्स के जुमरे में आते हैं कि जनाब आप नॉन मॉनिटरी मेजर्स भी ले सकते हैं अपने, हम चाह क्या रहे हैं दोनों सूरत हर सूरत में, हम ये चाह रहे हैं जनाब कि हमारा ये जो गैप है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, जो ये गैप है जो कि डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, उस गैप को कम करें, इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा करें, ताकि ये जो डेफिसिट है इस डेफिसिट के अंदर कमी लाई जा सके। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज मेजर्स
to control deficit, current account deficit. Non-monetary measures mein kya hai? Tariffs. Tariffs kya hote hain? Taxes. Taxes kya hote hain? Ki aap duties laga dein, import duties jisko kehte hain. Import duties. Jo aajkal Pakistan mein ab kar rahe hain hum ke cheez mangwani hai to uske upar import duties zyada hai. Koi non-productive jo expenses hain, non-productive products hain, unke upar duties ko high kar rahe hain taaki log discourage ho, uski import ki prices high ho jaye, log discourage ho jaye aur discourage hokar log uska istemal khatam kar dein aur wo hamara foreign exchange uske upar istemal na ho sake. This directly increases the price of imports, making less attractive to the domestic market. This also gives domestic supplier more protection to increase the supply of their own goods. Ab jab import karte hain, for example Pakistan mein imported gaadiyon ka bada concept hai. Ab imported gaadiyan aa rahi hain to is waqt kya hai, duties uske upar kam hai. Aapki local market ke andar bhi to local cars bhi ban rahi hain aur imported car bhi aa rahi hain. अगर आप इंपोर्टेड कार, फॉर एग्जांपल लोकल कार की प्राइस भी हम समझते हैं और इंपोर्टेड कार की प्राइस भी 10 लाख ही है जो उसको इंपोर्ट करते हैं, डॉलर के अंदर लेकर आते हैं, एक्सचेंज रेट लगाते हैं, अभी जो फॉर एग्जांपल जो ड्यूटीज देते हैं उसके बाद वो 10 लाख ही है, तो कंपैरेटिवली इंपोर्टेड कार और लोकल कार की प्राइस बराबर है इस वक्त, फॉर एग्जांपल एग्जांपल है. तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, वो अगर इंपोर्टेड कार के ऊपर की को रोकना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है और लोकल कंजम्पशन को इंकरेज करना चाहती है तो वो इंपोर्ट ड्यूटीज में इजाफा कर सकती है. और इंपोर्ट ड्यूटीज में इजाफा क्या करेगा, फॉर एग्जांपल वो कहते हैं नहीं 11 लाख की कॉस्ट पड़नी चाहिए और 1 लाख की क्या है जी, ये 1 लाख की एडिशनल ड्यूटीज हैं, एडिशनल ड्यूटीज टैरिफ हमने बढ़ा दिया, ये अब आपको पे करनी पड़ेगी, जो भी शख्स इंपोर्ट करेगा उसको ये एडिशनल पे करना पड़ेगा. तो अब जो कंज्यूमर्स कंपेयर करेंगे वो कहेंगे 11 लाख और 10 लाख हो गया टैरिफ लगाने से, दिस एडिशनल कॉस्ट हैज इंक्रीज द एंड प्राइस ऑफ दिस इंपोर्टेड कार, इंपोर्टेड प्रोडक्ट, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स will incentivize to spend on the local product and discouraged to consume the imported product. Then we have non ye isi tarike ke sath unhone ek graphical presentation bhi, aur graphical presentation kya tha usi ki tariffs ki surat mein कि जनाब अगर वी हैव दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई एंड डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, सो डोमेस्टिक सप्लाई डोमेस्टिक डिमांड. अब वर्ड सप्लाई इज लाइक दिस, आपकी लोकल जो प्राइस है, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस इज दिस, वो कहां से निकल लिया, आपकी इस डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन की वजह से. लेकिन जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो आप इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके आपकी प्रोडक्ट कितने पे मिल जाती है, वो इस प्राइस के ऊपर इस वक्त मिल रही है इनिशियली. तो हमने क्या किया, वी कैन से कि हम उस प्राइस को इस प्राइस पे लेने से क्या है, इस प्राइस पे मुकाबले के लिए कितनी सप्लाई होगी, सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई लोकल, वो सिर्फ इतनी रह जाएगी, लेकिन इनको जो क्वांटिटी डिमांड इस प्राइस पे मिल रही है वो बेतहाशा है. इस प्राइस के ऊपर क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा है, ऐसा ही है ना. तो क्या होगा, लोग लोकल मार्केट से सिर्फ इतनी प्रोडक्ट परचेज कर सकेंगे, बाकी ये जो गैप है, this QS to QD, ये गैप इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स कवर कर रही होगी, ऐसे ही नजर आता है ना.
क्लियर है, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं? क्योंकि इस प्राइस के ऊपर, डब्ल्यू पी की प्राइस के ऊपर हमारे सिर्फ इतने लोकल सप्लायर सप्लाई करने को तैयार हैं, और डब्ल्यू पी की प्राइस के ऊपर हमारे इतने कंज्यूमर, इतने जो कस्टमर्स हैं वो परचेज करने के लिए तैयार हैं। तो ला महाला जो एडिशनल गैप है सप्लाई एंड डिमांड का, वो जो गैप है इस प्राइस के ऊपर, गैप इन द डिमांड, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, वो जो डिमांड है दैट डिमांड विल बी कैटर फॉर, दैट डिमांड विल बी कवर्ड बाय द इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। हम उस गैप को, उस डिमांड कवरेज को कम करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है उसके ऊपर टैरिफ ऐड कर दें, टैरिफ उसके ऊपर, जो हमने जिस तरह से डोमेस्टिक कार्स के, इंपोर्टेड कार्स के ऊपर देखा कि एंड प्राइस को इजाफा कर दें कि जनाब आप जब इंपोर्ट करते हैं विदाउट टैरिफ तो वो तो प्राइस बनती है, लेकिन हमारे ये बारे में नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। हम लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन किस तरीके से दे रहे हैं, हम अपनी टैरिफ के जरिए से प्राइस को ऐड करेंगे, जब प्राइस को ऐड करेंगे तो लोकल सप्लाई कितनी होने हो सकेगी, अब लोकल सप्लाई विल एनहांस टू दिस, आपकी टोटल डिमांड, डिमांड कितनी हो जाएगी, डिमांड इतनी रह जाएगी। अब इसका और ये जो गैप है दैट विल बी ओनली लेफ्ट फॉर द इंटरनेशनल प्रोडक्ट, और वो सिर्फ उस इस प्राइस के ऊपर वो सिर्फ आने के लिए तैयार होंगे। क्लियर है? अब आपने जो एडिशनल, पहले इतना ज्यादा बड़ा गैप आपने इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को दिया हुआ था क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, लेस प्राइस, जितनी प्राइस दे रहे थे, जितनी प्राइस थी इंपोर्टेड प्रोडक्ट की उसके ऊपर डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब आपने उसको आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाया, किस तरह से, टैरिफ लगा के। तो आपको पास जो इंपोर्टर्स हैं उनके पास अब थोड़ा प्रोडक्ट मार्जिन रह गया प्ले करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट्स को लोकल मार्केट को कंपीट करने के लिए। देन वी हैव दिस कोटाज, कोटाज भी फिक्स कर देते हैं किस तरीके के साथ कोटाज को, इंपोर्ट आपने रोकनी है, आप ये चाहते हैं कि इंपोर्ट ज्यादा ना हो, तो आप फिर कहते हैं कि यार अच्छा हाँ आप फिर कोटा फिक्स कर लें। कोटा क्या है, जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंट्रीज ने कोटा फिक्स किए हुए हैं, टेक्सटाइल का 2005 से पहले का कोटा हुआ करते थे कि जो इंपोर्ट होनी है वो इस कंट्री से इतने अमाउंट की, इतनी क्वांटिटी की इंपोर्ट हो सकती है, इससे ज्यादा की नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा, कोटाज क्या करते, कोटा क्या होता, क्या फिक्स ए परमानेंट अमाउंट ऑफ गुड्स दैट मे बी इंपोर्टेड इनटू अ कंट्री, रिस्ट्रिक्टिंग द क्वांटिटी, डिक्रीज द लेवल ऑफ इंपोर्ट, thereby इंप्रूविंग द करंट अकाउंट डेफिसिट। Restricting the quantity decreases the level of imports. Quantity को restrict कर रहे हैं, level of imports decrease करती हैं, जिससे आपका एक import कम होती है तो आपका एक जो current account deficit है वो बेहतर हो जाता है। Export promotion, non-monetary measure, export promotion, export को बढ़ाने की कोशिश करें, जिसका पाकिस्तान वाले कहते हैं हम export promotion bureau है और वो इन्होंने सारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश करता है, सेलर्स को इंसेंटिवाइज करता है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट खत्म हो सके। देन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आप जो प्रोडक्ट्स आपकी इंपोर्ट हो रही हैं उसकी पाकिस्तान के अंदर, उसकी लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर उससे सब्स्टिट्यूट क्रिएट करें ताकि लोग बाहर से इम्पोर्ट ना कर सके, नॉन मॉनिटरी मेजर्स की, लोकली उनको प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, जो चीज़ उनको बाहर से मंगवानी पड़ती है वो उनके लोकल मैन्युफैक्चर, लोकल उसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट मिल जाए उनको। सिचुएशन इन पाकिस्तान हम काफ़ी डिस्कस करते रहे हैं, साथ साथ काफ़ी मुश्किल हालात हैं, पाकिस्तान बेसिकली एग्रीगेरियन कंट्री, एग्रीगेरियन एग्रीकल्चर
बेस्ड है हमारी. द मेजर एक्सपोर्ट्स आर देयरफॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज राइस कॉटन लेदर फिश एक्सेट्रा. आवर एक्सपोर्ट बेस हैज रिमेन्ड नैरो एंड दैट टू कॉन्सेंट्रेट इन रिलेटिवली लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. हमने कॉटन उठाई उसी को बेच दिया बजाय इसके कि कॉटन को प्रोसेस करते हो उसको प्रॉपर शेप में लेकर आते हो और आगे बेचते. हम वैल्यू एडिशन किए बगैर आगे चीज़ों को एक्सपोर्ट करते रहे. हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ना हो सकें कम हुई. पाकिस्तान के अंदर कंजम्पशन पॉपुलेशन एवर राइजिंग जिसकी वजह से कंजम्पशन हैबिट है. हम लोग कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है. हम कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है. हम अपने रिसोर्सेज को ऐसी चीज़ों के ऊपर यूज करने के लिए तैयार होते हैं जो कि खाया पिया हजम किया बस उस तरह की चीज़. हम अपने रिसोर्सेज को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के तहत इंगेज नहीं कर रहे. हमने 1965 में 1960 की दहाई में कहीं पे डैम्स बनाए थे उसके बाद हमने डैम ही नहीं बनाए. यही बहुत बड़ी एग्जांपल है. हालांकि हमारी जीडीपी की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस है. हमारी इकोनॉमी इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. जीडीपी ग्रोथ हमारी कभी नेगेटिव नहीं गई. कॉन्टिन्यूस 2% 3% पे भी गई है तो फिर भी कॉन्टिन्यूस पिछले साल से अगले साल हमने ज्यादा ही जीडीपी बनाई है. हमारी इनकम में इजाफा ही हुआ है नेशनल इनकम में. लेकिन हम उसको उन रिसोर्सेज को उन नेशनल इनकम को अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के तहत यूज नहीं कर सके. हम शॉर्ट टर्म के अंदर ही उसको यूज करते रहे. तो हमारी कंजम्पशन बेस्ड अप्रोच रही है इकोनॉमी की. हम इस वजह से अपने जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं अपनी जो इकोनॉमी की कैपेसिटी है प्रोडक्शन पोटेंशियल को हम बढ़ा नहीं सके. क्योंकि आपको अपने रिसोर्सेज कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर स्पेंड करने पड़ते हैं फिर आपकी प्रोडक्शन पोटेंशियल पड़ती है. ऐसा ही है ना. हमने पढ़ा है ना ये तो. इतना तो आपको आइडिया है ना कि अगर आपने प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ानी है तो आपको कैपिटल रिसोर्सेज के ऊपर खर्च करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है. वो फैक्ट्री है वो उसका मालिक पैसे कमा रहा है काम कर रहा है लेकिन वो पैसे कमाता है क्या करता है. वो उससे अपनी फैक्ट्री को रंग रोगन कर दिया. उसको फैक्ट्री के वर्कर्स को तनख्वाहें दे दी तनख्वाहें और बढ़ा दी. फिर उसने अपने अपने खाने पीने पहनने के खर्चे ज्यादा कर दिए. अपनी गाड़ी अच्छी कर ली बड़ी कर ली. तो ये क्या कर रहा है. वो कंजम्पशन के ऊपर खर्च कर रहा है. वो इस बात के ऊपर नहीं कर रहा कि यार अच्छा आज मेरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री की मैं कैपेसिटी किस तरह से बढ़ा सकता हूँ. मैं किस तरह से और चीज़ें को इसको इन्हांस कर सकता हूँ. आज अगर मेरा बिजनेस 1 करोड़ रुपया महीना की सेल कमा रहा है तो मैं इसको 10 करोड़ रुपया महीने की सेल के ऊपर किस तरह लेके जा सकता हूँ. उसके लिए मैं क्या क्या काम करूँ. उसके लिए मैं क्या इन्वेस्टमेंट्स करूँ. उसके लिए मैं कैपिटल क्या मुझे चाहिए होगी. मशीनरी में इजाफा चाहिए. बिल्डिंग में इजाफा चाहिए. जमीन में इजाफा चाहिए. वर्कफोर्स में इजाफा चाहिए. कोई टेक्नोलॉजी के अंदर इजाफा चाहिए. तो ये जब आपने अपनी प्रोडक्शन पोटेंशियल बढ़ानी होती है यू नीड टू फोकस ऑन द कैपिटल गुड्स. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वी आर फोकसिंग मोर ऑन द कंज्यूमर गुड्स. लैक ऑफ ऑटोमेटेड मशीनरी वही बातें हमने जो की कि कैपिटल हमने अपनी कैपेसिटी को अपनी चीजों को इन डायरेक्शन के अंदर डाला ही नहीं है कि जी जिसमें हम कह सकें जी कि हम मशीनरी ऑटोमेशन अच्छे प्रोडक्ट प्रोसेसिंग उनके ऊपर जाएंगे. रिड्यूस द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. द प्रोडक्शन हैज फ्लैटर्ड एंड डिक्लाइन इन द क्वांटिटी क्वालिटी हैज सब्सिक्वेंटली अफेक्टेड द एक्सपोर्ट्स. एक्सपोर्ट्स किसी तरह से नहीं है. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी 1990 से लेकर 1988 से लेके आज तक बल्कि हम सारी 70 साल ही समझेंगे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही हमारी. और हम जो है ना वो एक दूसरे को ही ब्लेम करते रहे. कोई डायरेक्शन देने वाला लीडर नहीं आया. कोई हमें किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं लेके जा सके. दैट हैज कॉस्ट अस ग्रेटली. और फॉरेन डेब्ट हम एक तरह के चुंगल में फंस गए. कर्जों के चुंगल में फंस गए. एक कर्जा लिया अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कवर करने के लिए. फिर उस कर्जे को रीपेमेंट करने के लिए और कर्जा लिया. फिर
अपने कर्जों को और पेमेंट करने के लिए और कर्जा लिया, इसी तरीके से मल्टीपल लोन मल्टीपल हमारे कंट्रीज उनके साथ हम कर रहे हैं और उनको डेट सर्विसिंग कॉस्ट हमारी इकोनॉमी के हमारे बजट का एक मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन है। यानी कि आपकी इकोनॉमी जितने नेशनल इनकम कमाती है उसमें से मेजर पोर्शन वो दूसरे लोगों को कर्जे की वापसी या उनके सूद की अदायगी के अंदर वो कर देती है। आपका एक छोटा सा घर हो ना, आपने कर्जा लिया हो 1,00,000 रुपए का और सूद के ऊपर कर्जा लिया हो, तो आप अगर 1,00,000 रुपया महीना कमाते हैं और उसमें से 10,000 रुपया उस कर्जे की सूद और उसकी किस्त के अंदर दे देते हैं, तो आपकी आपकी रिसोर्सेज के ऊपर अच्छा सा प्रेशर आ जाता है। आप सोच ही नहीं सकते कि मैं यार कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करूं, मैं कोई सेविंग करूं, मैं कोई अपनी प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ाने की बातें करूं। आप हर वक्त सिर्फ इसी फिक्र के अंदर होते हैं कि यार किसी तरह से मैं ये कर्जा जो लिया हुआ है इस कर्जे की डिफॉल्ट ना कर जाऊं। जिसमें पाकिस्तान के अंदर हम इसी फिक्र में थे कि अगर हमें IMF से 12 बिलियन डॉलर ना मिले तो हम अपनी जो फॉरेन लोन रीपेमेंट्स की कमिटमेंट्स हैं वो हम कमिटमेंट्स पूरी नहीं कर पाएंगे। 12 बिलियन डॉलर हमें इसलिए नहीं चाहिए था कि कोई हमने स्कूल अच्छे बनाने थे पाकिस्तान के अंदर, या कोई हमने सड़कें अच्छी बनानी थी, या कोई हमने कोई 12 बिलियन डॉलर हमने तमाम लोगों के पाकिस्तानी लोगों के अंदर कोई तकसीम कर देने थे कि यार तुम लोग इसको इस्तेमाल करो और जिंदगी को एंजॉय करो। नहीं, हमें वो जो अपना रिजर्व चाहिए था वो इस मकसद के लिए चाहिए था कि जी कि जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन रिमिटेंसेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज कहीं डिसऑनर ना हो जाए, हम बैंकक्रप्ट ना डिक्लेयर कर दिए जाए दुनिया के अंदर कि जनाब ये तो अपनी जो फॉरेन लाइबिलिटीज पे नहीं कर सके और हम दुनिया हमें एक इकोनॉमिकली वर्स कंडीशन के अंदर ना डाल दे। उस खतरे को दूर करने के लिए हम IMF से कह रहे हैं कि 12 बिलियन डॉलर दे दे, अमेरिका से सऊदी अरब से कह रहे हैं कि जनाब आप हमें 3 अरब डॉलर दे दें, UAE से कह रहे हैं कि आप हमें 1 अरब डॉलर दे दें, चाइना से कह रहे हैं आप हमें 2 अरब डॉलर दे दें। व्हाट इज दिस? दिस इज ओनली टू कैटर फॉर द डिजास्टर्स दैट कुड हैपन। फिर वो अगर नुमान पूछे हैं कि जी के अगर कंपनी पे नहीं करती तो क्या होता है, फिर वो वही होता है जो कि वो हादम रिजवी साहब कहते हैं ना, आए रे गोरी आए रे, ठीक है ना, फिर वो गोरी भिजवाना पड़ता है, नहीं तो और कुछ नहीं होता। हाँ जी, गोरी आए रे गोरी। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जी करेक्टिव मेजर क्या कर सकते हैं कि आपकी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है तो आप कोशिश करें कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें। और पाकिस्तान के अंदर एक और भी मसला है, हमारे यहाँ चाइना के अंदर भी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन चाइना की जो उनकी पॉलिसीज हैं वो क्लियर कट पॉलिसीज हैं, डिफाइंड पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से उनका बड़ा जबरदस्त अच्छा काम किया, राइट डायरेक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। हमारी पॉलिसीज स्टेबल नहीं है जिसकी वजह से हम लोग किसी भी काम को आखिर तक मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो बहरहाल वो कहते हैं जी करेक्ट करने के लिए पाकिस्तान को करना चाहिए कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, एक्सपोर्ट टैरिफ लगाएं कि जो आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज हैं उनको कम करें। ड्यूटी ड्रॉबैक्स का कॉन्सेप्ट है, एक्सपोर्ट्स जब करते हैं तो ड्यूटी ड्रॉबैक्स क्या होते हैं कि वो कहते हैं आपने जो एक्सपोर्ट की है उसके अंदर जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर आपने ड्यूटी दी थी, आपके रॉ मटेरियल कुछ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल अगर आपने यूज किया तो उसके ऊपर जो ड्यूटी दी थी वो हम आपको वापस कर देते हैं। हमारा फोकस क्या है, हम ये चाहते हैं कि एक्सपोर्ट के अंदर इजाफा हो। जिस आप पंखे फैन इंडस्ट्री फैन की जब प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की जाती है
तो उसके उसके ड्यूटी ड्रॉबैक्स मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉपर और बाकी मेटल्स इस्तेमाल होती हैं वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल है, तो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल की जो के ऊपर जो ड्यूटी दी होती है वो गवर्नमेंट कहती है आप ये वापस ले लें, आप एक्सपोर्ट करें, हम खुश हैं आपसे कि आपने एक्सपोर्ट किया तो आप ये वापस ले लें, आप और ज़्यादा कोशिश करें एक्सपोर्ट करने के लिए। रिड्यूसिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज विल हेल्प अस मेक आवर एक्सपोर्ट कंपेटिटिव इन इंटरनेशनल मार्केट, फॉरेन कंट्रीज मे प्रेफर टू बाय आवर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड प्राइसेस। एक्सपोर्ट को सस्ता करें, जैसे एक्सपोर्ट के ऊपर सेल टैक्स भी जीरो कर देते हैं हम, एक्सपोर्ट जो प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर सेल टैक्स जीरो रेट जो भी एक्सपोर्ट करें, ताकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी प्रोडक्ट सस्ती महसूस हो। फिर कहा जी के जॉइंट वेंचर्स करने चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, अच्छी चीजें नहीं है, वी शुड हैव जॉइंट वेंचर। हम ऐसे लोगों के साथ एस्टेब्लिश करें जो कि हमें आके हमारी टेक्नोलॉजी को, हमारे वर्किंग स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर कर सकें, जिस तरह से हम चाइना के साथ आजकल कर रहे हैं कि चाइना को जी के सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक है क्या, क्या ख्याल है आपका, सीपैक क्या है? सीपैक में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स का मकसद ये है कि आपका जो ग्वादर टू चाइना लिंक है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें और अपनी यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट करें पाकिस्तान के अंदर, जिनसे के उस रूट का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हो सके। क्लियर है, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं? सीपैक है क्या, आप सुनते नहीं है आजकल सीपैक? तो सीपैक है क्या, ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में, जैसे लाहौर में भी जैसे इन्होंने क्या ऑरेंज लाइन जो मंसूबा था, ये शहबाज शरीफ वाला ऑरेंज लाइन का मंसूबा, ये भी उन्होंने सीपैक का एक हिस्सा बनाया हुआ कि जी के इससे इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाए सीपैक की मदद से, चाइना से जो पैसे आए उनको हमने इस मद में भी इस्तेमाल किया। अब वो चाइना ने हमें अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, आपको लोकल लेवल के ऊपर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं ना। आप एक छोटा सा घर के अंदर कहें कि यार अच्छा मैंने ये घर से पैसेज बनाना है, ये रास्ता बनाना है, तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पाकिस्तान के पास तो पहले इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो चाइना ने कहा क्योंकि चाइना का भी इंटरेस्ट है, वो अपने लिए एक अल्टरनेट रूट टू गेट टू द वर्ल्ड और स्पेशली ऑयल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रिड्यूस टाइम के लिए करने के लिए ही चाइना हैज द इंटरेस्ट टू डेवलप दिस रूट। वन वो जो उसका वन रोड प्रोजेक्ट है उसका चाइनीज प्रेसिडेंट का, तो उस वजह से दे हैव दिस इंटरेस्ट। अब वो हमें जो आके पैसे दे रहे हैं कि जनाब आप ऑरेंज लाइन ट्रेन बना लें, आप वो मोटरवे बना लें, आप ग्वादर पोर्ट बना लें, आप ये कर लें, ये वो हमारे साथ एहसान नहीं कर रहे। जी वो एहसान नहीं कर रहे हमें वो यूज कर रहे हैं और हम इसलिए यूज हो रहे हैं। नुमान का भी ख्याल है कि जी के वो अपनी जड़ें यहाँ पे गाड़ रहे हैं चाइनीज, तो वो हमें यूज कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों यूज हो रहे हैं, हमें जरूरत है जॉइंट वेंचर्स की, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, हम अगर खुद से करना चाहें तो हम हमारे इकोनॉमिक डेट ट्रैप के अंदर हम मौजूद हैं, कर्जों के चुंगल में हम फंसे हुए हैं, या तो हम वो कर्जे उतारें या हम अपनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल को बढ़ाएं।
तो अब ये तरीका की चीज मिल गई जिससे कि हमें एक फॉरेन मुल्क ने आगे हमारी मदद कर दी और वो उसने इन्वेस्टमेंट कर दी और वो अपने जॉइंट वेंचर अपनी टेक्नोलॉजी भी हमें दे रहा है, अपने प्रोडक्ट्स भी, अपनी एक्सपर्टीज भी दे रहा है और अपनी इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है, कैपिटल भी दे रहा है, जिससे कि हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोस्टली इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि हमारे मुल्क में सीपैक की इन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारी बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी और बढ़ रही हैं। जैसे प्रोडक्शन जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके अंदर से कहते हैं कि अगर आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है तो उसके साथ अलाइड 100 इंडस्ट्रीज और चलना शुरू हो जाती हैं। बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े रोड्स के प्रोजेक्ट्स, ब्रिजेस, मोटरवेज, ये प्रोजेक्ट्स कहते हैं कि अगर जो इकोनॉमी के अंदर के प्रोजेक्ट्स आपको बाकी जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसको भी बूस्ट करते हैं। किस तरीके के साथ? जब बड़ा डैम का प्रोजेक्ट आता है तो उसमें सीमेंट भी चाहिए, उसमें मजदूर भी चाहिए, उसमें सरिया भी चाहिए, उसमें जो बिजली भी चाहिए, उसमें वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनके खाने की चीज़ें भी चाहिए, उनको फॉरेन कंट्री से जो ट्रिप आ रहे हैं उनकी प्रेजेंटेशन, आपकी हर चीज़ की एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है और हर एक्टिविटी का इकोनॉमिक पहलू मौजूद होता है। तो जॉइंट वेंचर्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस सेंस कि आपको एक बेरूनी इमदाद आ जाती है जिसकी मदद से आप अपनी प्रोडक्शन पोटेंशियल को बढ़ा सकते हैं, कैपिटल डेवलपमेंट कर सकते हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है कि पैसा जो बाहर से आता है, कर्जा आता है, वो अगर 1 लाख रुपए का कर्जा आया है या 1 लाख डॉलर का कर्जा आया है तो एक्चुअल हमारी इकोनॉमी के अंदर शायद वो 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो नहीं पाती, लीकेज हो जाती है, वो इकोनॉमी में से पैसे निकल जाते हैं, वो एक्चुअल लोगों के हाथ में पहुंचते ही नहीं है। किकबैक्स, कमीशन का कॉन्सेप्ट है तो आधे पैसे भी शायद पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते एग्जीक्यूशन के ऊपर। तो अल्लाह करे कि कुछ बेहतरी है तो हमारा काम भी चल पड़े। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल को अगर बेहतर करना है, कंट्रोल्ड इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसा ना कीजिए कि हर बंदा जो आप आलू के चिप्स भी आप इम्पोर्ट करना शुरू कर दें। नहीं यार, ज्यादती ना करें। आलू के चिप्स पाकिस्तान के अंदर अपने आलू उगाएं, खुद से चिप्स बनाएं, इम्पोर्ट करने का कोई मतलब लॉजिकल नहीं है। लग्जरी आइटम्स इम्पोर्ट ना की जाएं कि जनाब मैंने शूज देखिए ये मेरे फलाने ब्रांड के शूज, भाई लोकल ले लो, लोकल ब्रांड्स भी हैं, सारी चीज़ें लोकल प्रोडक्ट्स भी हैं। शूज के अंदर क्या है, वही लेदर है, वही चमड़ा है, वही सारी चीज़ें हैं। तो लोकल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करें, इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स के ऊपर ना करें। जनाब मर्सिडीज मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ, भाई क्या जरूरत है मर्सिडीज को इम्पोर्ट करने की? क्यों इम्पोर्ट करते का मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज जो आपके फॉरेन एक्सचेंज है वो आप बाहर के मुल्क में भिजवाएंगे। तो आप इस तरह की प्रोडक्ट के लिए बाहर के मुल्क पैसे भिजवाएं जिसको जो कि आपकी अपने मुल्क की इकोनॉमी के लिए, आपके मुल्क की वेलफेयर के लिए ज़रूरी है। आप अननेसेसरी प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए करेंगे तो ये आप अपने मुल्क के साथ ज्यादती करते हैं। इमोरल एक्टिविटीज पाकिस्तानी के बारे में मशहूर है कि हम वो अंग्रेजी का दी तो पंजाबी का दा, जिथे लगता ही ला, ठीक है ना जी। ये हमें हमारा मकूला मशहूर है कि हम ये कहते रहते हैं, तो उस काम को भी कहते हैं कि ना करें यार। एक्सपोर्ट आपने बढ़ानी है तो कोशिश करें कि आपका, अलीशा ने भी डी लगा दिया जी, अच्छा जी, कोशिश करें कि जो एथिक्स हैं उनको, बिजनेस एथिक्स को इम्प्रूव करें, एक्सपोर्ट के ऊपर लोगों को अपने बिजनेसमैन के ऊपर ट्रस्ट करवाइए। पाकिस्तानी बिजनेसमैन के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट का ट्रस्ट नहीं है, उस ट्रस्ट को बिल्ड करने की ज़रूरत है। वो हम भी बहुत होशियार चला गए हैं लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है
कि आपकी बिजनेस एक ही दफा होता है। पाकिस्तानी बिजनेसमैन हम शॉर्ट टर्म के तौर पे देखते हैं, हम लॉन्ग रन चीजों को नहीं चलाते। यार एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, राइस का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला, वाह यार इतना 10 कंटेनर मैंने भिजवाने चावल के, तो यार चावल की वही क्वालिटी भिजवाओ जो आपने उनको सैंपल जिसके ऊपर जो अप्रूव करवाया, और इंश्योर करवाओ कि वही क्वालिटी जाए, इस चीज को भी इंश्योर की जाए। लेकिन हमारी क्वालिटी के ऊपर उस तरीके के साथ नजर नहीं होती, हम सिर्फ अपनी शॉर्ट रन के अंदर पैसे आगे 10 कंटेनर चले गए बाद जबरदस्त, कल को अल्लाह मालिक है, कल हम कल देखेंगे। अल्लाह तो मालिक है जी मनी के ऊपर, अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह नहीं करना है। लेकिन अल्लाह ने कुछ आपके जिम्मे भी तो काम लगाए हुए हैं, जिसना वो कहते हैं ना जी कि आप होटल खोलने वाला देखता नहीं कि होटल किधर, वो गंदे नाले के किनारे के ऊपर होटल खोल लेगा, रुकेगा, अल्लाह ताला चला देगा। भाई अल्लाह ताला ने चलाना है, लेकिन आपकी तरफ बिजनेस की सेंस तो देखो, क्या चीज कैसे करनी है, कैसे क्या इम्पैक्ट है, उनको भी ज़रा देखो। तो ये मैनी पाकिस्तानी है ब्रॉट ए बैड नेम टू द कंट्री इन ट्रेड प्रैक्टिस बाय गेटिंग एंगेज इन इमोरल एक्टिविटीज सच एज एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी देन स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर इट। Then we have determinant of exchange rate. Exchange rate को किस तरीके के साथ determine किया जाता है? Exchange rate क्या है? Price of one currency expressed in terms of another. One currency expressed in terms of another. अब ये जरूरी है, जी अलीशा पूछ रही है कि कितने दिन और क्लासेस होंगी। आज के दिन क्लास और मंडे के दिन क्लास होगी, ठीक है जी। मंडे को इंशाल्लाह हमारा आज भी हम चैप्टर 14 पे हैं, चैप्टर 15 भी मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। देन वी नीड टू सी इंशाल्लाह, देन वी नीड टू सी के हमारी रिवीजन की क्लासेस की कितनी जरूरत है। एक हम रिवीजन की क्लास रखेंगे शायद ट्यूसडे को, रिवीजन की या जिसको हम कहते हैं कि पास्ट पेपर रिव्यू की क्लास, एक या दो हमारी पास्ट पेपर रिव्यू करने की क्लास होगी, जिसमें के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी और दो तीन अटेम्प्ट्स के पेपर्स जो हैं उनको आपके साथ बैठ के देखेंगे। दैट वी नीड टू सी, और इंशाल्लाह हमारा मंडे को एज पर एज कोर्स कंटेंट्स आर कंसर्न वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे वेडनेसडे में भी दो दिन हम रिवीजन और पास पेपर्स की बातें देख रहे होंगे, उसके अलावा हमारा कुछ इतना नहीं होगा, ठीक है। ट्यूसडे वेडनेसडे मैक्सिमम इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं एज अर्ली एज पॉसिबल इसको कंक्लूड करूं, ताकि आपके पास जो रिवीजन का और तैयारी का काफी एम्पल टाइम आपके पास रह जाए। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज किस तरीके के साथ होता है? अब इसको भी डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को भी डिमांड एंड सप्लाई, जिस तरह से बाकी प्रोडक्ट्स भी डिमांड एंड सप्लाई ही प्राइस उनकी बताती हैं, इसी तरीके के साथ जो हमारी करेंसीज हैं, करेंसी की भी डिमांड एंड सप्लाई होती है, होती है कि नहीं होती? डिमांड एंड सप्लाई तो करेंसी की भी होती है। अब करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई का थोड़ा सा एक एलिमेंट इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड क्या है कि एक करेंसी की डिमांड दूसरी करेंसी की सप्लाई बनेगी और एक करेंसी की सप्लाई दूसरी करेंसी की डिमांड बनेगी।
डिमांड एंड सप्लाई क्या है? डिमांड एंड सप्लाई इंटर रिलेटेड है। फॉरेन करेंसीज की, दो करेंसीज जो हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं, उनकी डिमांड एंड सप्लाई इंटर रिलेटेड हैं। कैसे इंटर रिलेटेड हैं? फॉर एग्जांपल, जब हम इंपोर्ट्स करते हैं, पाकिस्तानी मार्केट इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तानी शादी इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूके वाले भाई। पाकिस्तानी बंदा जो बाहर से चीज मंगवा रहा है वो उसके लिए इंपोर्ट है, लेकिन वो यूके वाले भाई जो बाहर से चीज भिजवा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनके लिए वो एक्सपोर्ट है। ऐसे ही है ना? अच्छा, अब ये जो इंपोर्ट हो रही है और ये जो एक्सपोर्ट हो रही है, इसमें बेसिक करेंसी कौन सी है? बेसिक करेंसी इज पाउंड। पाउंड क्यों है? क्योंकि जो बेचने वाले भाई हैं वो अपनी करेंसी के अंदर बात करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने अपनी करेंसी देखनी है कि जनाब मैंने पाउंड चाहिए मुझे, मैंने जो मेरी कॉस्ट है वो सारी की सारी पाउंड्स के अंदर है। ऐसे ही है ना? जो बनाने वाला है, प्रोड्यूसर है, जो सेलर है, उसकी कॉस्ट जिसमें है वो उसी में ही डिमांड करेगा, उसी को कंपेयर करेगा। और जो पाकिस्तान में इंपोर्टर है, ये क्या है? इसके पास तो पाउंड नहीं है ना, इसके पास क्या चीज है? इसके पास रुपीज है, रुपीज है, जो कि ये दे सकता है, ये सप्लाई कर सकता है। तो एक्सपोर्ट की सूरत में क्या होता है? एक्सपोर्ट जनरेट्स डिमांड, एंड इंपोर्ट क्रिएट्स सप्लाई। एक्सपोर्ट्स जनरेट्स डिमांड एंड इंपोर्ट्स क्रिएट्स सप्लाई। अब ये जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, इस ट्रांजैक्शन के जरिए से क्या हुआ कि आपके पाउंड की डिमांड जनरेट हुई और मार्केट के अंदर आपकी रुपीज की सप्लाई जनरेट हुई। क्लियर है? जी नहीं है तो डॉलर ही समझ लें आप। नुमान पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड तो हमने पढ़ा था कि जी कि वो तो एक करेंसी के अंदर हो रही है, डॉलर के अंदर अगर हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तानी भाई हैं इनके पास तो डॉलर नहीं है ना, जो इन्वेस्टमेंट, इनके सारे पैसे, इनके सारे एसेट्स, इनकी सारी वेल्थ किसके अंदर है? इनकी सारी वेल्थ रुपीस के अंदर है। तो ये इस ट्रांजैक्शन के लिए क्या कर सकते हैं? ये रुपीस सप्लाई कर सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कर सकते हैं? रुपीस सप्लाई कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। ये इनके पास तो डॉलर नहीं है, तो एक्सपोर्ट के अंदर क्या, इंपोर्ट के अंदर इनको रुपीस सप्लाई करने पड़ेंगे। ये कहते हैं कि भाई मुझसे पैसे ले लो, मुझे पाउंड दे दो, रुपीज ले लीजिए और मुझे पाउंड दे दीजिए। क्यों मैं पाउंड ले रहा हूं? क्योंकि मुझे ये एक्सपोर्ट करनी है, पाउंड के अंदर उनको पे कर दूंगा मैं। फिर हमने सादा रखी जिंदगी, अभी सिर्फ हम रुपीज और दो करेंसीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो इस एक इंपोर्ट की प्रोडक्ट ने, एक इंपोर्ट की एक्टिविटी ने क्या किया? रुपीज की सप्लाई जनरेट की और इंपोर्ट्स पाउंड की डिमांड जनरेट की।
ये तो पाकिस्तान में इंपोर्ट आ रही थी, अब पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट होगी तो क्या होगा? एक्सपोर्ट इज फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सपोर्ट पाकिस्तान से, और ये फिर क्या होगी? ये इंपोर्ट बन जाएगी यूके के लिए। खरीदने वाला कौन है? इंपोर्टर। बेचने वाला कौन है? एक्सपोर्टर। डिमांड किस करेंसी की होगी? रुपीस की। वो कहेंगे मुझे रुपीस टर्म के अंदर, मुझे, मैं आपको बता रहा हूं, 1,00,000 रुपए की ये मशीन बेचूंगा, ठीक हो गया। अब यूके वाले भाई के पास क्या चीज है? उनके एसेट्स, उनकी वेल्थ, उनकी सारी एक्टिविटी किस चीज के अंदर है? उनकी सारे के सारे एक्टिविटी पाउंड्स के अंदर है। वो क्या कर सकते हैं? ही कैन सप्लाई पाउंड, ही कैन सप्लाई पाउंड। क्यों सप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने ये चीज परचेज करनी है पाकिस्तान से और उनको डिमांड है रुपीज की, वो रुपीज की डिमांड कर रहे हैं ताकि वो पे ऑफ कर सकें ये पाकिस्तानी बंदे को कि जिसने ये प्रोडक्ट उनको सर्टन प्राइस पे बेचनी है, ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करनी है। बात फिर वही हो रही है कि इंपोर्ट्स क्रिएट्स द सप्लाई ऑफ द करेंसी एंड एक्सपोर्ट्स जनरेट्स द डिमांड ऑफ द करेंसी। एक्सपोर्ट से करेंसी की डिमांड जनरेट होती है और इंपोर्ट से सप्लाई। क्लियर है? तो मुश्किल तो नहीं है यहां तक? ये हम देख क्यों रहे हैं? क्वेश्चन ये होगा ना जी कि हम ये देख क्यों रहे हैं? हम इसलिए देख रहे हैं कि आपकी करेंसी की प्राइसिंग जो सी है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही होनी है। पाकिस्तानी रुपीस की डिमांड और पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, पाकिस्तानी रुपीस की डिमांड और पाकिस्तानी रुपीस की सप्लाई, ये डिटरमिन करेगी वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। इसी तरह से पाउंड की सप्लाई एंड पाउंड की डिमांड, ये डिमांड एंड सप्लाई विल डिटरमिन द वैल्यू फॉर एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट की वैल्यू को डिटरमिन करेगी। लेट मूव ऑन हियर। यहां पे देखें इस टेबल के अंदर क्या किया हुआ है, इस ग्राफ में क्या है। डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है जी? पाकिस्तान। फॉरेन कंट्री कौन सी है जी? यूके। डोमेस्टिक पाकिस्तान, फॉरेन कंट्री यूके। पाकिस्तान की कंट्री से एक्सपोर्ट की जा रही है। जब एक्सपोर्ट की जाती है तो क्या था? एक्सपोर्ट जब करते हैं, यहां पे आ जाए, ये पाकिस्तान की कंट्री से एक्सपोर्ट की जा रही है। एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या था? ये एक्सपोर्ट करते हैं तो सप्लाई ऑफ पाउंड होती है और डिमांड ऑफ रुपीज होती है, ऐसा ही है ना? ये भी हमने देखा। एक्सपोर्ट करते हैं तो सप्लाई ऑफ पाउंड एंड डिमांड ऑफ रुपीज एक्सपोर्ट करने के ऊपर। जब इंपोर्ट की जाती है पाकिस्तान के अंदर, इंपोर्ट आ रही है तो उसमें सप्लाई ऑफ रुपीज है और डिमांड ऑफ पाउंड है, यही हमने यहां पे डिस्कस किया। इंपोर्ट के अंदर सप्लाई ऑफ रुपीज, डिमांड ऑफ पाउंड, ये हाल है। क्लियर है? आई होप के यहां पे जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट विल क्रिएट द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट एंड द डोमेस्टिक करेंसी एंड एक्सपोर्ट विल क्रिएट द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये देखें, एक्सपोर्ट डोमेस्टिक करेंसी की एक्सपोर्ट डिमांड क्रिएट कर रही है और इंपोर्ट्स सप्लाई क्रिएट कर रही है डोमेस्टिक करेंसी की। डिमांड एंड सप्लाई रुपीस की टर्म्स के अंदर देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड जनरेट करता है
इम्पोर्ट सप्लाई जनरेट करता है डोमेस्टिक किसी भी करेंसी से रिलेटेड। पॉइंट्स टू नोट, द लेवल ऑफ डिमांड फॉर पीकेआर इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ फॉरेन डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। पीकेआर की डिमांड और एक्सपोर्ट, ये हमने बात कर ली कि एक्सपोर्ट आपकी डिमांड जनरेट करते हैं। लेवल ऑफ सप्लाई पीकेआर इज डायरेक्ट फंक्शन ऑफ पाकिस्तानी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स सप्लाई जनरेट करती हैं आपकी करेंसी। द कंट्री विल सेल पीकेआर बैलेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी नीडेड टू बाय देम। देयर इज डिमांड फॉर सम करेंसीज एज एन इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिस तरह से डॉलर है इंटरनेशनल मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे उनकी डिमांड है। जरूरी नहीं है कि हमारा और डॉलर का और पाकिस्तान का रुपीस का जो एक्सचेंज रेट है वो पाकिस्तान और अमेरिका की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वजह से हो रहा हो, वो शायद हमें अपनी कोई फॉरेन डेट्स पेमेंट्स के लिए भी डॉलर चाहिए होते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स, डिमांड एंड सप्लाई। इम्पोर्ट्स विल क्रिएट द सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, एक्सपोर्ट्स विल क्रिएट द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। क्लियर हो गया? लेट्स मूव ऑन। जाग रहे हैं? सो तो नहीं गए? नहीं सोए नहीं अभी, चलें गुड। अच्छा जी, फिर वी हैव दिस रिलेटिव प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स एंड रिलेटिव प्राइसेस। वही कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ योर करेंसी विल मेक द इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स चीपर, और appreciation of your currency rate will make the imports cheaper and exports expensive. वही बात है, example यहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से दी है, इसको आप देख लें और कल अगर कोई issue होता है तो discuss कर लें। High exchange rate के साथ वो कह रहे हैं क्या क्या issue है, कोई इसमें नई चीज नहीं है, अभी हमने की वही है सारा कुछ। डायग्राम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की उसी तरीके के साथ डायग्राम है। डिमांड एंड सप्लाई की बातें वही हम डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज सप्लाई दिस इज डिमांड, ये आपकी करेंसी की वैल्यू डिटरमिन हो जाएगी। डिमांड कर्व ऑफ पाकिस्तानी रुपीज, एज द एक्सचेंज रेट फॉल्स सो द डिमांड फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट विल एक्सपेंड ड्यू टू देयर ग्रेटर कंपेटिटिवनेस, कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड फॉर द रुपी नीडेड टू पे फॉर देम विल एक्सटेंड आल्सो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द सप्लाई कर्व फॉर द करेंसी, वो ही बात यहाँ पे जो वो कह रहे हैं जी कि इसकी जो डिमांड जो सी है ना वो बढ़ किस तरह से रही है, आपकी एक्सचेंज रेट और डिमांड, डिमांड देखे ना बढ़ रही है ना, हाईलाइट नहीं होता। अच्छा, डिमांड आपकी बढ़ रही है, डिमांड आपकी किस तरह से बढ़ रही है, वो डिमांड जैसे जैसे एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो रहा है, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होने से आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू, एक्सचेंज रेट डेफिशिएट होने से हमने कहा था एक्सपोर्ट बिकम चीपर, एक्सपोर्ट चीप होने से क्या हो रही है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और एक्सचेंज रेट कम होने से क्या हो रहा है इंपोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होने से क्या हो रहा है उसकी सप्लाई कम हो रही है, इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो रही है, सप्लाई ऑफ पाकिस्तानी रुपी दैट इज रिड्यूसिंग, और एक्सचेंज रेट हाई होने से क्या होता है, एक्सचेंज रेट हाई होने से सप्लाई बढ़ती जाती है, इम्पोर्ट्स क्योंकि आपकी सस्ती होती रहती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वही हम यहाँ पे चला रहे हैं कि एक्सचेंज रेट डिक्रीज एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, एक्सचेंज रेट इंक्रीज इंपोर्ट्स विल इंक्रीज। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे
जो एक्सचेंज हमारा डिमांड एंड सप्लाई का जो ग्राफ है वो दिखा रहा है। चलिए क्लियर है जी, इसको पढ़ लेंगे, फिर कोई होगा तो इशू डिस्कस कर लेंगे। रिमूवल ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम के ऊपर फिर वही जिस तरह से हमने अपनी लोकल करेंसी के अंदर बात कही थी कि लोकल जो मार्केट के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जब मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम की बातें कही थी, तो हमने कहा था कि असूली तौर पे दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस शुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन अगर आपकी किसी वक्त प्राइसेस आर दिस लाइक दिस, एक्सचेंज रेट हाई है, एक्सचेंज रेट हाई होने से क्या होगा, आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड कम है। एक्सपोर्ट की डिमांड कम क्यों है, क्योंकि एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव लगेगी आपको, एक्सपोर्ट की डिमांड कम होगी। एक्सपोर्ट की डिमांड कम होने से क्या होगा, आपकी जो डिमांड ऑफ योर करेंसी है वो रिड्यूस होगी, वो कम होगी। और दूसरी जानब एक्सचेंज रेट हाई होने से क्या हो रहा है कि इम्पोर्ट्स आर चीपर, इम्पोर्ट्स चीप लग रही हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स की डिमांड ज्यादा और सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, सप्लाई ऑफ द करेंसी इज मोर। क्लियर है, ये जो डिमांड हमने पहले बात की थी, डिमांड इज डायरेक्टली लिंक टू एक्सपोर्ट्स एंड सप्लाई आर डायरेक्टली लिंक टू इम्पोर्ट्स, ये हम पहले बात कर चुके हुए। तो जब आप इस एक्सचेंज रेट के ऊपर होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी एक्सचेंज रेट हाई है, आपकी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हैं, एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम है, एक्सपोर्ट से ही हमारा एक्सपोर्ट्स जनरेट्स दी डिमांड, एक्सपोर्ट्स जनरेट्स दी डिमांड, जो भी एक्सपोर्ट होगी जिस करेंसी की वो डिमांड जनरेट करेगी, एक्सपोर्ट्स जनरेट्स दी डिमांड, एक्सपोर्ट और डिमांड की बातें थी हमारी। क्लैरिटी के साथ हमारा क्लियर होना चाहिए यहां बात। फिर इंपोर्ट्स जनरेट्स दी सप्लाई, इंपोर्ट्स के साथ सप्लाई लिंक्ड है, इस प्राइस के ऊपर हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आ रहा है, यहां पे करंट अकाउंट डेफिसिट नजर आ रहा है। क्यू एस टू क्यू डी, ये क्यू एस और क्यू डी इनके दरमियान में जो गैप नजर आ रहा है, ये करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, क्यों, एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज्यादा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है। फिर क्या करना पड़ेगा, व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉल्स, इतना लंबा अर्सा नहीं करना पड़ेगा, एक्सचेंज रेट को नीचे आना पड़ेगा क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, डिमांड फॉर इम्पोर्ट विल कॉन्ट्रैक्ट, इंपोर्ट की डिमांड कम होगी और सप्लाई, इंपोर्ट कम होने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन इज सप्लाई, सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन होगी, सप्लाई इस साइड के ऊपर मूव करेगी। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट विल एक्सटेंड, एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होने से डिमांड फॉर एक्सपोर्ट एक्सटेंड होगी, डिमांड फॉर रूपी भी एक्सटेंड होगी क्योंकि रूपी की डिमांड इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। The process of a fall in the value of currency will continue until a balance of payment equilibrium is reached. असूली तौर पे जो हमने बातें कही थी मार्केट इक्विलिब्रियम की तरह यहां पे भी वही बातें हैं। फिर कहा के जी के ये तो बात आ गई, फिर दूसरा शॉर्टेज ऑफ क्यू डी टू क्यू वन, यहां पे आ गए वो क्यू डी टू क्यू वन नीचे चला गया, एक्सचेंज रेट चलते चलते आपका आर एस एच पे आ गया, क्यू डी और क्यू डी वन और क्यू एस वन इस पे आ गया, नीचे चला गया, अब एक्सचेंज रेट इक्विलिब्रियम से भी नीचे चला गया, उससे क्या होगा, आपका सरप्लस आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, एक्सपोर्ट्स आर हाई, एक्सपोर्ट्स ज्यादा है और इंपोर्ट्स कम है,
एक्सपोर्ट्स ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर हमारी सप्लाई इज ओनली लाइक दिस, सप्लाई इज लाइक दिस एंड डिमांड इज लाइक दिस। एक्सपोर्ट ज्यादा हैं और इंपोर्ट्स कम हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस आ जाया हमें नजर। व्हेन द एक्सचेंज रेट राइज, फिर वो एक्सचेंज रेट राइज होगा तो क्या होगा, एक्सचेंज रेट राइज होने से आपकी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, इम्पोर्ट चीपर हो जाएंगी, दोबारा इक्विलिब्रियम के ऊपर आप पहुंच जाएंगे। सेम वही मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म हम अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर मार्केट इक्विलिब्रियम के हवाले से डिस्कस करते रहे। सिर्फ इसमें क्या है कि करेंसी का जो इंक्रीज और डिक्रीज, डिमांड एंड सप्लाई की जो मूवमेंट है, दैट इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। डिमांड की मूवमेंट एक्सपोर्ट्स के साथ रिलेट करती है और सप्लाई की मूवमेंट इम्पोर्ट्स के साथ रिलेट करती है। जी क्लियर है जी, कोई मुश्किल तो नहीं है अभी तक? क्लियर है। अच्छा जी, गवर्नमेंट पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट को गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट ने विश टू इन्फ्लुएंस एक्सचेंज रेट फॉर ए नंबर ऑफ रीजन। गवर्नमेंट ऐसे नहीं कर सकती कि वो खुला छोड़ दे, उसको कंट्रोल करने की अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। फॉरन एक्सचेंज रेट एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी इम्पोर्ट्स को कम करने के लिए, अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए एक टूल के तौर पे यूज किया जाता है। क्योंकि हमने देखा है कि एक्सचेंज रेट के फर्क के साथ ही आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस कम या ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है। करेंसी अगेंस्ट द प्रेशर ऑफ शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन से करना बचाना चाहती है, स्टेबिलिटी रखना चाहती है ताकि पता चले कि प्राइस से बहुत ज्यादा वेरी ना करें, स्टेबिलिटी रहे। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट और टू रिड्यूस इम्पोर्ट उस कामों के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल हमारे सामने थे। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए। कैसे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है? आप कहेंगे इंटरेस्ट रेट और फॉरेन एक्सचेंज का क्या तल्लुक है? कोई तल्लुक नजर आता है आपको इंटरेस्ट रेट का और फॉरेन एक्सचेंज का? कोई तल्लुक नजर आता है? नॉक नॉक, कोई सन्नाटा सा सन्नाटा है जी? आवाज आ रही है ना जी? आवाज आ रही है, आवाज के ऊपर जागे। हाँ जी, कोई एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का कोई आपस में ताल्लुक नजर आता है? कोई समझ आती है ताल्लुक जी? तल्लुक जो बनता है एक्सचेंज रेट का और इंटरेस्ट रेट का, वो इन द सेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन द सेंस ऑफ कैपिटल फ्लो टू योर इकोनॉमी और फ्रॉम योर इकोनॉमी है। जो दुनिया में कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, जिनके पास सरमाया है, उस सरमाए को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनको गर्ज नहीं है कि उस सरमाए को उनको सोमालिया में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको यूएस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, उनको चांद पे जाके इन्वेस्ट करना पड़ता है। दे डोंट हैव दिस लिमिटेशन। वो इंटरनेशनली दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट एनीवेयर फ्रॉम वेयर दे विल फाइंड द बेटर रिटर्न। वो पाकिस्तान में भी आके इन्वेस्ट करते हैं, यूएस में, या जो मेच्योर मार्केट्स होंगी, मेच्योर मार्केट्स में आपको प्रोडक्ट या आपके सरमाए के अगेंस्ट रिटर्न कम मिलता है, कम मिलता है ना।
और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज होती हैं, डेवलपिंग मार्केट्स होती हैं, वहां पे आपको अपने सरमाए के अगेंस्ट रिटर्न ज्यादा मिलता है। एक हमें फाइनेंस में पढ़ाते हैं, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। रिस्क ज्यादा होगा रिटर्न ज्यादा होगा, लो द रिस्क लो रिटर्न, रिस्क कम होगा रिटर्न कम होगा, ये बात है। अब उनको इंसेंटिवाइज किया जा सकता है अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएं। जब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फॉरेन जो लोग हैं वो अट्रैक्ट होंगे और वो अपने पैसे, क्योंकि उनके पास उनका सरमाया तो उनकी करेंसी के अंदर ही है ना। जो यूएसए में बैठा हुआ इन्वेस्टर है उसका सरमाया किस करेंसी के अंदर, उसका सरमाया उसकी करेंसी के अंदर है ना। तो वो कहेगा कि जी अच्छा, पाकिस्तान से 10% इंटरेस्ट मिलता है, मार्कअप रेट पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बढ़ गया है, तो वो अपने सरमाए को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए राजी हो जाएगा। रिस्क तो होगा उसे, क्योंकि अपने कंट्री के अंदर, अपने माहौल के अंदर, मेच्योर इकोनॉमी के अंदर उसको हो सकता है 5% मिल रहा हो, 4% उससे इंटरेस्ट मिले, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जब वो आएगा तो उसको 10% 15%। और जो अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर देता है, तो हमारा तो नॉर्मल बिजनेसमैन कहता है कि मुझे 50% से कम अगर इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, मार्जिन मिलता है, तो मैं उसको बिजनेस ही नहीं समझता। 50% इंटरनेशनली आपको 5 से 10% किसी भी बिजनेस में रिटर्न मिलता है तो आप बड़े खुश होते हैं कि हमने अच्छा बिजनेस कर लिया। तो पाकिस्तानी बिजनेसेस इस लिहाज से, बिजनेसमैन आर फॉर्चुनेट इनफ कि दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी के वो वहां पे हमारे यहाँ रिटर्न ज्यादा कमाते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि इंटरेस्ट रेट को हाई करके क्या करते हैं, रेजिंग द इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट स्पेकुलेटिव फंड्स फ्रॉम अब्रॉड एंड इंक्रीज डिमांड फॉर रुपी। उन लोगों ने अपना सरमाया क्योंकि मौजूद था, उन्होंने सरमाया पाकिस्तान के अंदर भिजवा दिया, डिमांड फॉर रुपीज, क्योंकि अब सरमाया आने का मतलब क्या है कि वो तो उनके पास तो अपनी चीज ही मौजूद थी ना। दे नीड टू इन्वेस्ट इन सर्टन, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल मार्केट, वो शेयर खरीदना चाहते हैं, तो शेयर्स तो पाकिस्तानी रुपीज के अंदर खरीदेंगे ना। तो जब वो रुपीज की डिमांड जनरेट हो जाएगी, वो कहेंगे मेरे पास पैसे डॉलर्स हैं, डॉलर्स ले लीजिए, मुझे रुपीज दे दीजिए ताकि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, तो रुपीज की डिमांड जनरेट होगी, इंटरेस्ट रेट स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर आ जाएगा। इंटरवेंशन परचेजिंग और सेलिंग ऑफ करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। अच्छा, अब ये जो मार्क लगा हुआ ना, इनको भूल गए, ये गलत लगे हुए हैं। असल में ये पॉइंट है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, नीचे जो पैराग्राफ है ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ये पॉइंट है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, और इसी तरह से ये पॉइंट है और ये उसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है जी। इंटरवेंशन परचेजिंग और सेलिंग ऑफ करेंसी बाय सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी मेजर दे सकता है, वो डॉलर या जिस भी करेंसी को एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना चाहता है वो परचेज कर ले ओपन मार्केट से और सेल कर दे। क्योंकि हमने ये कहा है कि आपकी करेंसी, आपकी इकोनॉमी के अंदर जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स मेंटेन करता है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज की जो मूवमेंट है वो इकोनॉमी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस हो रही होती है। ऐसे ही है ना, अब मुझे इंपोर्ट्स करनी है, मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करने में क्या है, मुझे डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, डॉलर की डिमांड बढ़ गई है, तो मैं उस डॉलर की डिमांड बढ़ने से क्या होगा, मेरे डॉलर की प्राइस में इजाफा हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो सकता है प्राइस मेरी, और ज्यादा लोकल करेंसी डिक्रीज हो सकती है। तो मैं क्या करना चाहूंगा, मैं लोकल करेंसी को डिक्रीज ना करूं, मैं कहूंगी मैं डॉलर्स मार्केट में फ्लोट कर देता हूं ताकि मार्केट के अंदर जो एक्सचेंज रेट है डॉलर के बदले में रुपीज देने वाला वो उसी लेवल पर रहे। ऐसा ना हो जाए कि 1 डॉलर के अगेंस्ट अगर 100 रुपया है
तो लोग 100 की बजाय 110 रुपए देने को भी तैयार हो जाए एक डॉलर खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको इंपोर्ट करना है और उनको डॉलर्स बाहर भिजवाने हैं, ठीक है। अब वो जो डिमांड क्रिएट हुई है और सप्लाई ऑफ लोकल करेंसी हुई है, वो डिमांड मार्केट में नहीं मिल रही, उनको मार्केट से डॉलर्स उतनी मकदार में मिल नहीं रहे, डॉलर्स मार्केट में कम है। तो स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट ये कर सकती है कि जो उसके पास रिजर्व्स मौजूद हैं उनको मार्केट में फ्लोट कर दे, ताकि जो लोगों की डिमांड है इन दी मार्केट वो बढ़ ना जाए। जिस तरह से लोग, हम आम प्रोडक्ट की बात करते हैं ना कि जनाब फॉर एग्जांपल एक गंदम है, गंदम की कीमत अगर बढ़ने लगे तो क्या करते हैं लोग, पैसे लेके घूम रहे होते हैं, मुझे एक किलो गंदम दे दें, एक किलो गंदम दे दें। एक बंदा कहता है मुझे 30 रुपए की दे दें, अगला बंदा आएगा 35 रुपए ले लें, अगला आएगा 40 ले लें, अगला आएगा 50 ले लें। तो वो गंदम की डिमांड क्रिएट हो गई हुई है और उस गंदम की डिमांड की वजह से लोग उसकी शॉर्टेज के फियर की वजह से उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस प्राइस को अगर स्टेबल रखना चाहें तो क्या करें, गंदम को मार्केट में सप्लाई कर दें, ज्यादा सप्लाई कर दें, ताकि गंदम के खरीदारों को 30 रुपए के ऊपर ही या 20 रुपए के ऊपर ही जो है ना उनको मार्केट की प्राइस में गंदम अवेलेबल हो जाए, यही कर सकते हैं ना। सेम इज टू बी डन विद दी, और गवर्नमेंट करती है इस तरह से सेम इसी तरीके के साथ, जब इकोनॉमी के अंदर मार्केट के अंदर देखती है कि डिमांड बढ़ रही है तो वो अपने रिजर्व में से कुछ पैसे मार्केट के अंदर फेंक देती है, उसके अगेंस्ट रुपीज ले लेती है लेकिन कम प्राइस के ऊपर, ताकि जो मार्केट का प्राइस लेवल है वो उसी लेवल पे मेंटेन करे। और इसी तरह से अगर लगता है कि मुल्क के अंदर डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो गई है, लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं डॉलर बाहर से लेकर उसको रुपीस जो है में कन्वर्ट कर रहे हैं, डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट मार्केट से पैसे उठा भी सकती है, पैसे रुपीस दे दे और डॉलर मार्केट से ले ले, ताकि प्राइस एक लेवल पे स्टेबल लेवल पे मेंटेन करती रहे। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी, के डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो गैप है उसको ठीक करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो मसले हैं उनको ठीक करें, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को ठीक करें, ताकि आपका एक स्ट्रक्चरल बिहेवियर आपकी इकोनॉमी का उसको ठीक। रिमूव द सोर्सेज ऑफ डेफिसिट और सरप्लस व्हिच आर कॉजिंग द रेट टू डेप्रिसिएट और एप्रिसिएट। क्योंकि फोकस क्या है गवर्नमेंट का, कि एक स्टेबल रेट इन द इकोनॉमी वो दिया जाए, इकोनॉमी के अंदर एक स्टेबल रेट हो, ताकि बिजनेसमैन और जो लोग हैं उनको क्लैरिटी के साथ पता हो कि आज अगर मैं ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करूंगा, बनाऊंगा, प्रोड्यूस करूंगा और उसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे इससे इतने पैसे मिल जाएंगे, और ताकि वो फिर अपनी डिसीजन प्रॉपर वे में कर सकें, मुझे ये चीज़ चाहिए, इतनी कॉस्ट है, ये इम्पोर्ट रेट है, इस इम्पोर्ट अगर रेट ऑफ एक्सचेंज फ्लक्चुएट होता रहे जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है इस वक्त, तो क्या होगा, बिजनेस डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। जब बिजनेस डिसीजन नहीं ले पाते तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुक जाती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हो रहा है कि आपका जो एक दिन पता चला 104 रुपए के ऊपर डॉलर, एक डॉलर के अगेंस्ट 104 रुपए मिलते थे, अब वही एक डॉलर 140 रुपए का हो गया। तो ये जो डेप्रिसिएशन हुई, इस वेरिएशन आई एक्सचेंज रेट के अंदर, उसने तमाम बिजनेसमैन के दिमाग में अनसर्टेनिटी क्रिएट कर दी। जब अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है तो उससे क्या होता है, बिजनेसमैन डिसीजन नहीं ले पाता, जब डिसीजन नहीं ले पाता तो क्या होता है, बिजनेस एक्टिविटी रुकती है, बिजनेस एक्टिविटी रुकती है तो आपकी इकोनॉमी को परेशानी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज रुकती हैं, ट्रांजेक्शन नहीं होती, एक हाथ से दूसरे हाथ मनी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रुकती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के अंदर परेशानी आती है, तो वो आपका फ्लो रुक जाता है। तो एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट की ये ऑब्जेक्टिव होता है कि एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखे, ताकि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो बिजनेस डिसीजंस हैं वो क्लियर विजन के साथ लिए जा सकते हों। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। वो ये नहीं चाहती कि मेरा
एक डॉलर के बदले एक एक रुपए के बदले में एक डॉलर, ये एक्सचेंज रेट आ जाए। एक्सचेंज रेट को लेकर आना मकसद नहीं है, मकसद आपकी एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना मकसद है किसी भी गवर्नमेंट का, एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखना और उसको यूटिलाइज करना फॉर करेक्टिव मेजर एक्सचेंज रेट को, कि डेप्रिशिएट करते हैं आपकी एक्सपोर्ट्स बेहतर होती हैं, इंपोर्ट किस हद तक आपने यूटिलाइज करना है, किस तरीके से करना है कि आपके बिजनेसमैन को अनसर्टेनिटी ना आ जाए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर एक्सचेंज रेट पॉलिसी जब आप डिटरमिन कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको देखनी पड़ती है। स्टॉपिंग द एक्सचेंज रेट फ्रॉम फॉलिंग, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर अब ये चीज हम करना चाह रहे हैं, हमारे पास एक्सचेंज रेट को गिरने से बचाना चाह रहे हैं, एक्सचेंज रेट को गिरने से बचाना चाह रहे हैं। अब क्या था, हम चाहते हैं कि एक्सचेंज रेट इतना रहे, एक्सचेंज रेट इतना रहे। इस वक्त एक्सचेंज रेट क्या था, इनिशियली एक्सचेंज रेट वाज हियर, वो डेप्रिशिएट कर रहा था या हमारे टारगेटेड एक्सचेंज रेट से कम था, ठीक है जी, टारगेटेड एक्सचेंज रेट से कम था। हम एज ए गवर्नमेंट समझते हैं कि यार हम किस तरीके के साथ इसको एक्सचेंज रेट को हम इस लेवल के ऊपर मेंटेन करें। दो तरीके हो सकते हैं इस लेवल पर मेंटेन करने, या तो आप अपनी डिमांड कर्व को इस लेवल पर ले जाएं या आप अपनी सप्लाई कर्व को इस लेवल पर ले जाएं, ऐसे ही है ना, दो तरीके हो सकते हैं ना। आप अपने एक्सचेंज रेट को इस लेवल पे मेंटेन करना चाह रहे हैं तो या आप अपनी डिमांड कर्व को शिफ्ट करवा सकते हैं कि डिमांड कर्व हमारी शिफ्ट हो जाए इस तरफ आ जाए, या आप अपनी सप्लाई कर्व को शिफ्ट करवा सकते हैं कि वो एग्जिस्टिंग डिमांड कर्व के मुताबिक इस तरफ को शिफ्ट हो जाए। ये दो तरीके हो सकते हैं इस काम को करने के लिए, क्लियर है। पहली बात तो यहां पे, या तो आप डिमांड को शिफ्ट करवा सकते हैं या आप सप्लाई को शिफ्ट करवा सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। वो क्या जी, आप क्या गवर्नमेंट विश टू रेट टू बी आरटी पॉलिसी ऑप्शन लार्ज, पॉलिसी ऑप्शन कौन सी है जी, इंक्रीज द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया है, शिफ्ट द डिमांड कर्व फॉर रुपीज टू D1, तो उसने D1 की तरफ शिफ्ट कर दिया डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट। हमने क्या था कहा था, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर आने को तैयार हो जाते हैं, उनको ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो उस एक मेयर ने इंटरेस्ट रेट ने क्या किया, लोगों ने डॉलर्स दिए और पाकिस्तान की करेंसी की डिमांड की और हमारी डिमांड कर्व शिफ्ट कर गई फ्रॉम डी टू D1, और जो हम चाह रहे थे कि सप्लाई और डिमांड का जो इक्विलिब्रियम बने वो इस रेट के ऊपर इस प्राइस के ऊपर बने, वो ही बन गया हमारा, दिस इज वन ऑप्शन। देन सप्लाई के ऊपर क्या कर सकते हैं, परचेज द सरप्लस रुपीज ऑफ यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सप्लाई साइड के ऊपर आप ये कर सकते हैं कि आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से सरप्लस रुपीज यूजिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उसको आप परचेज कर लें, परचेज दी सरप्लस रुपीज QS to QD उसको आप परचेज कर ले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से और आपकी सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से परचेज करेंगे तो लोग रुपीज को सप्लाई विल शिफ्ट। ये देखें अभी कहां पे थे हम ये चाहते हैं कि हम अपनी सप्लाई को इधर ले आए और हम इस वक्त अपनी इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं, तो आप शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं सप्लाई को, सप्लाई ऑफ रुपीज को, सप्लाई ऑफ रुपीज कितना शिफ्ट होती है, सप्लाई ऑफ रुपीज कौन मार्केट में इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ रुपीज को कम करना चाह रहे हैं, आपने डॉलर मार्केट में दे दिए और मार्केट से सप्लाई रुपीज उठा लिए, सप्लाई को कम करवा दिया, डॉलर दे दिए और रुपीज उठा लिए, सप्लाई ऑफ रुपीज को आपने रिड्यूस करवा दिया, तो उससे भी क्या हुआ,
कि जो आपका टारगेटेड एक्सचेंज रेट था आप उसी के ऊपर आ गए. तो इन बोथ केसेस दीज कैन बी इम्पैक्टेड. जो भी टूल इस्तेमाल कर लें, इंटरेस्ट रेट का टूल इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा, और अगर आप परचेज ऑफ रुपीज का टूल इस्तेमाल करेंगे, रुपीज परचेज कर लें, तो आपकी सप्लाई ऑफ रुपीज रुक जाएगी, कम हो जाएगी, और आपके डॉलर मार्केट में फ्लोट होना शुरू हो जाएंगे. क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे? हमने जो ऊपर एग्जांपल देखी इसमें सिर्फ गवर्नमेंट, क्योंकि हमने बार बार बात की थी गवर्नमेंट एक रेट को स्टेबल रखना चाहती है, वो एक टारगेटेड रेट गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में सेट किया हुआ था. उस टारगेटेड रेट को अचीव करने के लिए क्या चीजें हो सकती हैं, या डिमांड साइड को इफेक्ट कर लें या सप्लाई साइड को इफेक्ट कर लें. तो वो दो टूल उसने एग्जांपल बताया, एक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दें, और या फिर मार्केट से सप्लाई ऑफ द मनी जो है उसको उठा लें, रुपीज को उठा लें और डॉलर को सप्लाई कर दें, क्योंकि एक की सप्लाई दूसरे की डिमांड, एक की सामान सप्लाई दूसरे की डिमांड बनेगी, इस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं. फिर एक्सचेंज रेट के को डिटरमिन करने के गवर्नमेंट के पास डिफरेंट तरीके हैं. फिक्स एक्सचेंज रेट का तरीका है और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का तरीका है. फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है, गवर्नमेंट तय कर देती है कि जनाब हमारी करेंसी के अगेंस्ट इतनी एक्सचेंज रेट होगा, वो गवर्नमेंट डिफाइंड प्री डिफाइंड रेट बता देती है. फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में कह दिया जाए कि 100 रुपए का एक डॉलर मिलेगा, जिसने 100 रुपए से एक डॉलर से ज्यादा या कम पे बेचा तो गवर्नमेंट उसको पकड़ लेगी, और गवर्नमेंट उसको, अगर आपको ज्यादा मसला हो तो आप गवर्नमेंट के पास आ जाएं, गवर्नमेंट आपको 100 रुपए का एक डॉलर दे देगी. अब हम एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मेंटेन करना चाह रहे हैं अपनी इकोनॉमी के अंदर. फिक्स्ड है, रेट इज सेट एट ए फिक्स्ड parity against one or more foreign currency. Government agrees to buy or sell at this rate to stop fluctuation. वो एक level maintain करना चाहती हैं fluctuation. तो उस base के ऊपर, rate के ऊपर कहते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझसे आप ले लीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं. Floating rate क्या है? The rate set by the unhindered, किसी कदगन के बगैर जो market forces हैं demand and supply की, वो डिसाइड कर रही हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट. जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ती है कम होती है, डिमांड बढ़ती है कम होती है, वो इम्पैक्ट आपका मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है. एडवांटेज ऑफ फिक्स इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट, फिक्स में स्पेकुलेशन नहीं हो सकती. कोई बंदा ये नहीं कर सकता कि मैं प्राइस डॉलर का रेट बढ़ रहा है तो मैं चलो मैं डॉलर खरीद लेता हूं, अननेसेसरी स्पेकुलेशन नहीं हो सकती. डॉलर यार जो पैसे आपके पास हैं डॉलर में रख लो. अब ये क्या हो रहा है, आपको एक्चुअली डॉलर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसलिए डॉलर में रख रहे हैं कि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे मार्केट के अंदर इकोनॉमी के अंदर डॉलर की डिमांड जनरेट हो रही है और प्राइसेस बढ़ेंगी, डॉलर शॉर्ट होता जाएगा और प्राइस डॉलर की बढ़ती जाएगी, आपकी लोकल करेंसी की प्राइस डिक्रीज होती जाएगी. एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की कम होगी ना, अगर डॉलर की कीमत बढ़ेगी तो पाकिस्तानी करेंसी की कीमत कम हो रही है. प्रमोट फ्री ट्रेड एज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर रिलीज फ्रॉम एक्सचेंज रेट. जो हमने कहा था बिजनेसमैन एक्सचेंज रेट को बार बार देखना चाहता है तो वो उससे तसल्ली से काम कर सकता है. फोर्सेस गवर्नमेंट टू फॉलो रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी. लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला, गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब मार्केट फोर्सेस को खत्म कर दिया तो अब गवर्नमेंट जरा ध्यान से एक्सचेंज रेट फिक्स किया करे, ताकि ऐसा ना हो कि हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कोई इतना हाई एक्सचेंज रेट हम फिक्स कर लें कि हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाए, हमारा बैंक बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड वो खराब हो जाए. एक रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत पड़ जाएगी, ज्यादा जरूरत हो जाएगी हमारी गवर्नमेंट को करने के लिए. फ्लोटिंग गवर्नमेंट की इंटरवेंशन खत्म हो जाती है, फ्लोटिंग के एडवांटेज ही है, गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है. जो मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई होगी उसके मुताबिक जो भी रेट होगा वो चलता रहेगा. अ करेक्ट
करेगा ऑटो करेक्ट, जो हमने पहले भी देखा मार्केट मैकेनिज्म के अंदर डिमांड एंड सप्लाई ऑटो करेक्शन भी करती है। इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करे, जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करे, गवर्नमेंट को कोई फिक्र नहीं है कि एक्सचेंज रेट को मैंने कैसे करना है। लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे और लेट्स मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द डिवेल्यूएशन एंड देन मूव ऑन टू चैप्टर 15। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।